अपंग व्यक्तियों की तरफ समाज का नजरिया भले ही बदल रहा हो, लेकिन आज भी ऐसे कई डिफरेंटली एबल लोग हैं जिन्हें ऑफिस और सामाजिक जगहों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी चीजों के शिकार हुए हों तो अपने रजिस्टर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को शिकायत कर सकते हैं। 1995 में बनाए गए स्पेशल एक्ट के तहत डिफरेंटली एबल्ड लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है, जिसके सेक्शन 57 के अनुसार किसी भी डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और फुल पार्टिसिपेशन का अधिकार है। अगर किसी अलग रूप से सक्षम व्यक्ति को उनकी किसी डिसेबिलिटी की वजह से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है तो वो रजिस्टर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को शिकायत कर सकते हैं, जिसकी विस्तार से जानकारी पाने के लिए आप www.ccdisabilities.nic.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज को और भी बढ़ावा मिले और साथ ही उसके रिसर्च और ट्रेनिंग के और भी अवसर प्राप्त हों, इस उद्देश्य के साथ दिल्ली के अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था में इंडियन साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। इस सेंटर का उद्देश्य है भारतीय साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देना। इस केंद्र को शुरू करने के लिए 18 नई पोस्ट्स भी बनाई गई हैं, जिसके लिए आवेदन देकर आप हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों की दुनिया को बदलने में सहायक हो सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग और कुशल विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। चाइना और भारत के बीच किए गए 24 समझौतों में से एक इस महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं।